बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अकबर लियाराई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थ्री ए नर्सिंग लेक्चर्स। लास्ट पार्ट है ये, पार्ट फाइव। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज ऑफ 2015। क्वेश्चन नंबर 86। The first man on the moon was an American astronaut in 1969. His name was. यानी पहला जो एस्ट्रोनॉट था अमेरिका का 1969 में जो चांद पर पहुंचा, वो कौन था? ए माइकल कॉलिंस, बी एडविन बज़ एल्ड्रिन, सी स्टीफन किंग, डी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बहुत मशहूर क्वेश्चन है ये। ठीक है, अंदाज़ा लगा लिया होगा आपने, करेक्ट आंसर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। जबकि जो बी में हमें दिया गया है एडविन बज़ एल्ड्रिन, ही वाज़ द सेकंड वन। क्वेश्चन नंबर 87। एडवर्ड स्नोडन वर्कड फॉर यूएस सीक्रेट सर्विस एंड नाउ कॉल्स हिमसेल्फ विसिल ब्लोअर। दे कॉल्ड हिम, एडवर्ड स्नोडन ने काम किया यूएस की, यूनाइटेड स्टेट की सीक्रेट सर्विस के लिए। वो अपने आप को कहता है विसिल ब्लोअर, और उसे वो लोग क्या कहते हैं, यानी अमेरिकन क्या कहते हैं? इसके आंसर हैं ए रॉग एम्प्लॉय, बी एन इनफॉर्मर हु लिसन टू हिज कंसाइंस, सी ए स्पाई, डी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जी, तो इसका करेक्ट आंसर है ए स्पाई, ही वाज एडवर्ड स्नोडन। क्वेश्चन नंबर 88। द सिमला डेलीगेशन कॉल्ड ऑन लॉर्ड मिंटो द वायसराय ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 1906। द डेलीगेशन लेड बाय, सिमला जो माहिदा था उसका जो डेलीगेशन गया था अक्टूबर 1906 में, तो उसे किसने लीड किया था, उसकी क़यादत किसने की थी? ए मिस्टर गांधी, बी सर आगा खान, सी अल्लामा इकबाल, डी सर सलीमुल्लाह खान। इसका करेक्ट आंसर है सर आगा खान। तो शिमला डेलीगेशन डेपुटेशन जो थी उसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप इसको स्टडी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 89। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैहिस रिसाला वाज फर्स्ट पब्लिश्ड बाय डॉक्टर अर्नेस्ट ट्रंप फ्रॉम। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का शाह जो रिसालो फर्स्ट टाइम पब्लिश किया डॉक्टर अर्नेस्ट ट्रंप ने, कहाँ से? ए पेरिस, बी लंदन, सी लैप्सिक, डी बॉम्बे। उसका करेक्ट आंसर है लेप्ज़िग। लेप्ज़िग इज़ अ सिटी इन जर्मनी, ये पिक दिखाई गई है। ठीक है, और जर्मनी का एक शहर है, वहाँ से शाह जो रिसालो जो है वो शाया किया गया। क्वेश्चन नंबर 90। हु इज़ द ऑथर ऑफ ग्रेट इंग्लिश एपिक पैराडाइज लॉस्ट? ए शेक्सपियर, बी मिल्टन, सी वर्ड्सवर्थ, डी टेनिसन। ये इंग्लिश एपिक है पैराडाइज लॉस्ट, इसके ऑथर का मालूम किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है मिल्टन। जी, क्वेश्चन नंबर 91। इन 1847 द प्रोविंस ऑफ सिंध वाज डिवाइडेड इन हाउ मेनी कलेक्टोरेट्स? तो इसका करेक्ट आंसर है 3। सर चार्ल्स नेपियर इंट्रोड्यूस्ड मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन सिंध, ही डिवाइडेड सिंध इनटू 3 कलेक्टोरेट्स। क्वेश्चन नंबर 92। सिंध बिकेम ए सेपरेट प्रोविंस आफ्टर 1935 एक्ट ऑफ इंडिया एंड वाज सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी फ्रॉम द ईयर। किस ईयर में जो है सिंध को एक सेपरेट प्रोविंस कर दिया गया था आफ्टर 1935 एक्ट ऑफ इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर है 1936। क्वेश्चन नंबर 93। कोमल जैम डैम वाज इनॉग्रेटेड इन 2013-8। ए नॉर्थ वजीरिस्तान, बी साउथ वजीरिस्तान, सी अपर दीर, डी इस्कर्दो। इसका करेक्ट आंसर है साउथ वजीरिस्तान,
और यहाँ पे इनॉग्रेशन सेरेमनी जो इसकी हुई थी गोमल जैम डैम की, वो यहाँ पर दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 94, आफ्टर द एवोल्यूशन ऑफ वन यूनिट स्कीम इन विच ईयर सिंथ रिगेन द प्रोविंशियल स्टेटस। वन यूनिट स्कीम कब ख़त्म हुई और सिंध को वापस उसका प्रोविंशियल स्टेटस कब मिला, ये सवाल किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1970। प्रेसिडेंट जनरल याह्या खान लीगल इम्पोज्ड लीगल फ्रेम वर्क ऑर्डर नंबर 1970 टू एंड द वन यूनिट प्रोग्राम एंड री इंस्टेट द प्रोविंशियल स्टेटस ऑफ द फोर प्रोविंसेस एज ऑफ अगस्त 1947। यानी कि जो 1947 अगस्त में जो पोजीशन थी उसी पोजीशन पर वापस बहाल कर दिया गया सूबाई स्टेटस को। क्वेश्चन नंबर 95, रडार वाज इन्वेंटेड इन 1935 एज अ वे ऑफ लोकेटिंग एनिमी एयरक्राफ्ट, इट्स इन्वेंटर वाज ए फ्रैंक मॉरिस, बी मोर्टिमर व्हीलर, सी रॉबर्ट वाटसन वाट या डी जेम्स मार्टिन। तो इसका करेक्ट आंसर है रॉबर्ट वाटसन वाट। यहाँ पर एक तरफ रडार की पिक दिखाई गई है और दूसरी तरफ ये रॉबर्ट वाटसन वाट की पिक्चर दिखाई गई है। क्वेश्चन नंबर 96, ग्रामर कैन बी डिफाइंड एज, यहाँ ग्रामर की डेफिनेशन पूछी गई है, इसमें आंसर है ए आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स, बी रूल्स टू कंबाइन वर्क्स इनटू लार्जर यूनिट ऑफ लैंग्वेज, सी साइंस ऑफ ऑरेटोरी, डी कंपोजिंग पोएट्री। तो इसका करेक्ट आंसर है रूल्स टू कंबाइन वर्क्स इनटू लार्जर यूनिट ऑफ लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 97, इन ब्लैक एंड वाइट मीन्स, ये एक एडियम है ब्लैक एंड वाइट, इसका मालूम किया गया है मीनिंग क्या है। तो ए मूवी इन टू कलर्स, बी इन राइटिंग, सी विदाउट डाउट, डी ऑन द स्पॉट। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है इन राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 98, ए रोलिंग स्टोन मीन्स, ये भी एक ईडीएम है, इसके मीनिंग मालूम की गई है। तो इसका ऑप्शन जो हमें दिया गया है वो ए पर्सन हु डज नॉट स्टे एट वन प्लेस, बी ए क्रिमिनल, सी अ जेस्टर और डी एन एक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर है अ पर्सन हु डज नॉट स्टे एट वन प्लेस। ठीक है जी, इससे पिक भी दिखाई गई है कि ए पर्सन हु ऑलवेज वांडर्स कैन नॉट कमिट टू एनी प्लेस और पर्पस, किसी एक जगह ना ठहरे एक बात पे ना रुके, तो ऐसे पर्सन को कहते हैं रोलिंग स्टोन। जबकि यहाँ पर जेस्टर मींस दिया गया है जोकर या कॉमेडियन। ठीक है जी, एक्टर का आपको मालूम है, क्रिमिनल की मीनिंग भी आपको मालूम है, जेस्टर एक हमारे लिए एक नया लफ्ज़ था इसलिए मीनिंग दे दी है। हो सकता है कि किसी एमसीक्यूज में इस तरह से भी मालूम कर लिया जाए आपसे, तो आपको मालूम हो कि जेस्टर के मीनिंग जोकर या कॉमेडियन है। क्वेश्चन नंबर 99, द वेस्ट एलोवियल प्लेन्स लेइंग बिटवीन द वेस्टर्न बैंक ऑफ मंचर लेक एंड कीर्थर रेंज इज। अब यहाँ पर मालूम किया गया है सवाल में कि वास्ट एलोवियल एवलिंग द सैंडी प्लेन्स जो कि दरमियान में है मानचर झील और किर्थर रेंज के, तो वो क्या है। ठीक है, ए कच्चो, बी कोहिस्तान, सी कछू और डी इंडस डेल्टा। इसका करेक्ट आंसर है इंडस डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 100, आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध इन 1843 द ब्रिटिश गवर्नर ऑफ सिंध वास। 1843 में सिंध की फतह के बाद गवर्नर कौन बना सिंध का, पहला गवर्नर, ए सर जॉन जैकब, बी सर चार्ल्स नेपियर, सी बर्टल फ्रेयर और डी रिचर्ड बर्टन।
तो इसका करेक्ट आंसर है सर चार्ल्स नेपियर, गवर्नर ऑफ सिंध 1843 to 1847। सर चार्ल्स नेपियर बिकेम द फर्स्ट एवर चीफ कमिश्नर एंड गवर्नर ऑफ सिंध। जी ये कुछ गिफ्ट क्वेश्चंस हैं, रेलिवेंट हैं। ठीक है, हमारे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में चूँकि सवाल जो है वो सिंध के बारे में आते हैं, तो कुछ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने लिए हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। सिंध वॉज एनेक्स्ड इन 1847 ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल रिजिम, ए चार्ल्स मेटकेल्फ, बी लॉर्ड एलनबर्ग, सी लॉर्ड वेलेस्ले, डी लॉर्ड डॉलहाउसी। तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड एलन ब्रॉक। क्वेश्चन नंबर 102। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध बाय एरिया इज, ए बदीन, बी हैदराबाद, सी जैकबाबाद, डी थरपारकर। जी इसका करेक्ट आंसर है थरपारकर। क्वेश्चन नंबर 103। अलन फकीर वॉज अवार्डेड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इन, अलन फकीर को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस कब दिया गया, ए 1980, बी 1990, सी 1994 और डी 2000। जी तो इसका करेक्ट आंसर है 1980 में अलन फकीर को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया था। उम्मीद है इन तमाम जो हमने पेपर सॉल्व किया इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है जी, तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इसी तरह की जो है मालूमाती वीडियोस जो है वो मिलती रहें। इसके अलावा मेरे लेक्चर भी मैं अपलोड करता हूँ, वो लेक्चर भी से भी आप फ़ायदा उठाएँ। और अपना एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स जो है आप वीडियो में ज़रूर किया करें ताकि मुझे मेरी भी हौसला अफज़ाई हो और मुझे कुछ मेरी जो खामियां हों उसका भी मुझे पता चलता रहे। और मैं और अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट्स में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नेक्स्ट टाइम, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।